डे के लिए हमें टैक्सी मेरा भी पार्टी आउट चाहिए। नीचे आ जाइए, नीचे आइए सब लोग, नीचे थोड़ा और। कैसे हो आप सब? हम लोग तो सब बढ़िया है, आप बताइए। बढ़िया एकदम, दिन में पार्टी लुक में हूँ मैं, थोड़ा ऑफ है बट ठीक है। मेरा एक्चुअली अभी बर्थडे सीक्वेंस आज शूट हो रहा है, इसीलिए वेब शो का शूट है ये। मैं हंगामा के लिए सीरीज कर रही हूँ, बोधी जी का है, बहुत ही इंटरेस्टिंग शो है, काफ़ी ग्लैमरस है, मेरा कैरेक्टर काफ़ी ग्लैमरस है, तो यार जो भी आउट शो ने दिखाता काफ़ी एक्साइटिंग हूँ। एंड वापस कनिका मान के साथ रियूनियन हो रहा है ये शो में आफ्टर रोहानिया, तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ। अभी कल हम लोग का फाइनली रैप अप है, 7 एपिसोड यहाँ देखो। बाप रे, ये देखो यार आवाजें शुरू हो जाती है लोगों की, रोड पे बस आ जाओ ऐसे कपड़े पहन के। बोले जी ये मोबाइल से ये रिलीज होगा मोस्टली नवंबर एंड या दिसंबर में आएगा। अभी हम लोग के प्रमोशन भी स्टार्ट होंगे, कल आखिरी दिन है, सेकेंड लास्ट डे है, तो यस आज मेरा बर्थडे सीक्वेंस शूट हो रहा है। अभी मैं केक काटूंगी नीचे, सो यार नीचे कर ले दीपक, सीढ़ी ऊपर मैं नीचे आ जाऊँ। ऐसे बिहार में तो ऐसे चमक रहा है ना बिल्कुल साहब। जाओ आगे जाओगे ना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो आराम से। सो मैम, सबसे पहले आप बहुत अच्छी लग रही हो आज, थैंक यू। बर्थडे बनाने जा रहे हो, क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? बर्थडे मनाने जा रही हूँ मैं, ऐसा लग रहा है 3:30 बजे पार्टी के लिए निकल रही हूँ, बस इतनी स्मोकी आइज करके सीक्वेंस ड्रेस पहन के, बट आज मेरे शो में मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, सो या इसीलिए मैं इतनी डेक्ड अप हूँ। बहुत एक्साइटेड हूँ इस न्यू प्रोजेक्ट के लिए, बिकॉज बिग बॉस के बाद ये पहला तो नहीं कहूँगी, आई डिड फर्स्ट, एक म्यूज़िक वीडियो भी आ रहा है मेरा, परसों रिलीज़ हो रहा है मेरा म्यूज़िक वीडियो, प्लीज़ देखिएगा। मोहम्मद दानिश सिंगर है मैम, मेरे ऑपोजिट आतिक महाजन है, बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है। जिन लोगों की वहाँ ब्रेकअप हुआ है वो तो काफ़ी रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि मैं खुद रिलेट कर पाई उस गाने को, बट वेरी नाइस एंड वेरी नाइस सॉफ्ट हार्ट ब्रेकिंग सॉन्ग, सो या। और ये प्रोजेक्ट के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज काफ़ी ग्लैमरस कैरेक्टर है ये मेरा, एंड यू नो कहीं ना कहीं मैं इस कैरेक्टर से काफ़ी रिलेट कर पाती हूँ, बिकॉज मैं अपने आप को इस कैरेक्टर में डालती हूँ। लाइवली है, चोपी है, एंड द बेस्ट पार्ट इज़ आई एम वर्किंग विथ कनिका मान अगेन, शी इज़ माई फ्रेंड, तो यू नो एक कम्फर्ट लेवल होती है सेट पर जब आप अपने दोस्त के साथ काम करते हैं, सो आई एम सुपर सुपर एक्साइटेड। किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपका इस शो को लेकर, एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बिकॉज हमारे डायरेक्टर साकेत सर बहुत ही अच्छे हैं, एंड यू नो काफ़ी एक एक्टर को कंफर्टेबल सेट पे होना बहुत ज़रूरी होता है जब आप कुछ सीन्स इन्वॉल्व होते हैं, तो यू नो ही इज़ ब्रिलियंट। बोधी ट्री एज अ प्रोडक्शन, द ट्रीटमेंट, एवरीथिंग इज़ अमेजिंग। तीसरी बार मैं इन लोगों के साथ काम कर रही हूँ, तो डेफिनेटली फैमिली है। बाकी लाइक आई सेड कनिका तो है ही, अब्बास इज़ ऑल्सो देयर इन द शो, सनम जौहर इज़ ऑल्सो हियर, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड थी। आई वाज लाइक सनम यूज्ड टू बी अ कोरियोग्राफर राइट, एंड ही इज़ प्लेइंग ऑन स्क्रीन, सो दैट्स अमेजिंग। बाकी कनिका और मेरी मस्तियाँ होती रहती हैं, हम अर्जुन को बहुत मिस करते हैं साथ में, सो या इट्स प्रीटी नाइस एक्सपीरियंस। अगर मैं रियलिटी शो की बात करूँ तो बिग बॉस अगर 17 आ रहा है, अगर आपको बुलाया जाए तो आप जाना चाहोगे? ऑनेस्टली जाना तो क्यों नहीं चाहूँगी, क्योंकि मेरी जर्नी काफ़ी इनकम्प्लीट रह गई थी, यू नो मैं बार बार यही कहती थी, बट अभी तो प्रोजेक्ट्स हैं पाइपलाइन में, सो आई एम अ लिटिल ऑक्यूपाइड विद दैट, बट लेट्स सी, अगर लोग चाहेंगे बुलाना तो बिल्कुल जाना चाहिए। एंड इस बार सिंगल्स वर्सेस कपल्स है, कपल्स किसको देखना चाहते हो आप? एज अ कपल आई पर्सनली लाइक प्रिंस एंड योविका, मेरे दोस्त भी हैं दोनों, सो अगर उनको वापस दोबारा जा देखने को मिलेगा तो आई वुड लव टू वॉच फॉर दैट। आने वाले समय में और कुछ वेब सीरीज वगैरह देखने में? अभी वेब सीरीज तो मैं ऑलरेडी कर रही हूँ, तो ये रैप अप होगा, देयर सेकंड प्रोजेक्ट आल्सो इन द लाइफ पाइपलाइन, सो यू गाइस विल हैव टू स्टे ट्यून्ड फॉर दैट।
बट अभी आप लोग दो दिन में मेरा म्यूजिक वीडियो देखिए और मुझे फीडबैक दीजिए कि कैसा लग रहा है, बिकॉज अभी ट्रेलर भी कल मैं डालूंगी सोशल मीडिया पे, सो ट्रेलर आप सबको देखने को मिलेगा। सो ढेर सारा प्लीज़ अपना प्यार देना मुझे। फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे आपका सॉन्ग भी आ रहा है? जी बिल्कुल, मैं बस ये कहूँगी कि प्यार दीजिए जितना मेरे नए प्रोजेक्ट पे, बिग बॉस के बाद मैं वापस आपकी स्क्रीन्स पे आ रही हूँ। सो जैसे आप लोगों ने उस शो में भी प्यार दिया, अभी भी वैसे ही प्यार दीजिए। थैंक यू मैम। मना एल्विशा का न्यू प्रोजेक्ट आ रहा है, क्या कहना है? एल्विश एंड मनीषा शूटिंग, देयर शूटिंग फॉर अ सॉन्ग आई थिंक। ऑल द बेस्ट टू देम, कांग्रेचुलेशंस। आई थिंक दोनों ही बहुत ही रॉ पर्सनालिटीज़ हैं, देसी पर्सनालिटीज़ हैं, तो बड़ा मज़ा आएगा दोनों को देखने। एल्विश ने जो नेगेटिव पीआर को लेके कहा है, उस पर कुछ कहना है आपको? एल्विश ने नेगेटिव पीआर या के समवन इज डूइंग नेगेटिव पीआर अगेंस्ट हिम? यार मुझे ऐसे लगता है सबका अपना अपना पीआर इतना स्ट्रॉन्ग है, सबके फैंस इतने स्ट्रॉन्ग हैं, सो मुझे ऐसे लगता है हमें एक दूसरे के फैंस को ना एक दूसरे के पेजेस से जाके हेटेड नहीं देना चाहिए। आई पर्सनली फील दैट। आई थिंक ठीक है, आप एल्विश की आर्मी खुद भी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो बैटल फेस कर लेगा, इट्स ओके, उसको भी फर्क नहीं पड़ने वाला। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू।